हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने इस फेशियल को बस एक ही बार किया और मेरी स्किन कांच की तरह चमकने लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ग्लास स्किन सीक्रेट फेशियल दिखाऊंगी जो आप इजीली घर पर कर सकते हैं और जिसके लिए आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लास स्किन फेशियल की मेन इन्ग्रीडियंट्स है बनाना, इसीलिए एक बनाना लेकर इसे एक स्पून के मदद से मैश कर लीजिए या फिर आप बनाना का पेस्ट भी कर सकते हैं। ग्लास स्किन फेशियल की फर्स्ट स्टेप है स्किन ग्लोइंग क्लेंजिंग। इसके लिए एक बोल में एक चम्मच बनाना का पेस्ट लीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच रॉ मिल्क और 1 चम्मच लेमन जूस और फिर इसे मिक्स कर लीजिए। तो हमारा क्लेंजर रेडी है। अब इससे अपने चेहरे को 2 मिनट तक मसाज कीजिए और 2 मिनट बाद एक कॉटन से चेहरे को ऐसे क्लीन कर लीजिए। इस मिक्सचर से चेहरे को ऐसे क्लेंजिंग करने से आपके चेहरा क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है स्किन ग्लोइंग स्क्रबिंग। इसके लिए एक बोल में 1 चम्मच राइस फ्लोर ले लीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच बनाना का पेस्ट और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और इसको फिर मिक्स कर लीजिए। अब इस स्क्रबर से अपने चेहरे को 5 मिनट तक जेंटली स्क्रब कीजिए। ऐसे राइस फ्लोर, बनाना और एलोवेरा जेल को एक साथ मिलाकर मसाज करने से आपके स्किन के सारे डेड स्किन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और साथ ही आपके स्किन बहुत ही ग्लोइंग और ब्राइट भी हो जाते हैं। तो ऐसे 5 मिनट तक चेहरे को जेंटली स्क्रब करने के बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है स्किन ग्लोइंग मसाज। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोमोग्रेनेट सीड्स यानी कि अनार के दाने लेना है और फिर इसमें से उसका रस निकाल लीजिए। अब एक बोल में 3 से 4 चम्मच प्रोमोग्रेनेट जूस ले लीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 3 विटामिन ई कैप्सूल्स और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर से अपने चेहरे को मसाज कीजिए 10 से 15 मिनट तक, जैसे फेशियल मसाज करते हैं। अनार के रस में बहुत सारे गुड न्यूट्रिएंट्स और विटामिन सी भरपूर होते हैं जो हमारी स्किन से डार्क स्पॉट को लाइटन करता है और हमारे स्किन टोन को भी ब्राइटन अप करता है और साथ ही स्किन को बहुत ही ग्लोइंग भी बनाता है जिससे हमारे स्किन कांच की तरह चमकने लगता है। ऐसे 10 से 15 मिनट तक फेशियल मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से फेस को क्लीन कर लीजिए। अब लास्ट स्टेप है स्किन ग्लोइंग फेस मास्क। इसके लिए एक बोल में 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले लीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच बनाना का पेस्ट और 1/2 चम्मच लेमन जूस और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। अब इस मास्क को अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करके 15 मिनट तक रखिए और 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से स्किन को वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं मेरे ग्लास स्किन फेशियल। तो आप इस फेशियल को स्टेप बाय स्टेप जरूर ट्राई कीजिए घर पर। इस फेशियल को बस एक ही बार करने से ही आपके स्किन हो जाएगा बेहद गोरा, ब्राइटन और ग्लोइंग।